चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर वन लाइनर में। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जल मार्ग है उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। अगला है, निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। अगला है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला है, इनो किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? जापान में। अगला है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना स्थित है? फिलीपींस में। अगला है, इराक का पुराना नाम है? मेसोपोटामिया। अगला, अर्धरात्रि का सूर्य भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। अगला है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कश्मीर में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है? नीलगिरी में। अगला है, बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। अगला है, डेटम तल क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज तल से ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। अगला है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। अगला है, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम है था तो जिसका नाम था चार्ल्स कोरिया। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? टोर्नेडो। अगला है, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से। अगला है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? म्यांमार में। अगला है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। अगला है, घूमर वगरिया तथा संकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो हैं राजस्थान के। अगला है, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया? श्री गंगानगर में। अगला है, खग चंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में। अगला है, पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में, वनों में। इसकी संख्या जायरीन बेसिन में सर्वाधिक है। इसका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। अगला है, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? जलमग्न कटक। अगला है, यूकेलिप्स लिप्स ओक और वाटल किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो है मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन। ये उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों में पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण पूर्वी भाग में, ब्राजील में दक्षिणी भाग में, दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी तट एवं ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला है, संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाए जाते हैं? तो मत्स्य संसाधन। यहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, जहाँ अधिक संख्या में मछली भोजन की तलाश में आती है। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य गण क्षेत्र हैं। अगला है, पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो ये अवसादी चट्टान, परंतु इनका आयतन भूपर्पटी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। अगला है, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगला है, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है 132,000 वर्ग किलोमीटर। अगला है, सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। अगला है, रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहे, चूना, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। याद रखिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। अगला है, कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है।
जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 535 मेगावाट है। आंकड़े 1993 के स्रोत पर आधारित हैं ये सब, ठीक है। अगला है पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में। अगला है वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। अगला है भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। अगला हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी को। अगला एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह है ये बेरिंग जल डमरू। अगला जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? टार्नेडो। अगला उत्तराचल उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। अगला सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी यहाँ किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का। अगला उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? रेड इंडियन और नेग्रो। अगला ओप्सोनिक एवं अपसोनिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एफ साइड रेखा। अगला कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। अगला हमारा जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। अगला किस निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूदा आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। अगला मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो यह सूर्य की आभासी मार्ग के तल की और पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अगला है भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। अगला है कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है? तो वह सिकुड़ती है, चिकनी मिट्टी। अगला है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर। अगला है प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। अगला है आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं ग्रीनविच से होकर गुजरती है जो। अगला है भारत में पर्ल फिशिंग कहां पर की जाती है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। अगला है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जल डमरू है? पनामा। अगला विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? कार्टोपेक्सी 5,897 मीटर। अगला है बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है क्या कहलाता है? वांगर मैदान। अगला है आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है केनेली हेवी साइड परत। अगला है हमारा हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून। अगला है हमारा अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवने। अगला है मालागासी सोकोता जंजीवार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह हिंद महासागर की। अगला है तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाली बाला दर्रा कहा जाता कहाँ स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में। अगला है पोलीकट एक बल्याकार लैंगून झील है इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। अगला है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। अगला है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? संलग्न है भूटान के। अगला है गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई विदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती तथा मानस अथवा मानसूनी वन। अगला है पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। अगला है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर। अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। अगला है अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार है
पश्चिमी भाग। अगला है मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं जिन्हें कहा जाता है खमसिन।